जहाँ ज़रूरत है वहाँ मिलो, जहाँ ज़रूरत नहीं नहीं मिलना चाहिए। रहा गेम्स वगैरह, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि एक तो खाली वक्त, उसके बाद बर्बादी, उसके बाद वो गेम्स में जो चीज़ें बताई जाती, जो मार धाड़ खत लगा, एक गोली मारा सर उसका टुकड़े हो गया, आँख टुकड़े हो रहा, इंसान के इंसान हज़ारों मर जा रहे, इससे इंसान के अंदर एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिज़म के साथ साथ खून खतलो गारदगी की बुराई खबाहत कम होती जाती है और वो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर का होता जाता है। ये देखा जा रहा है आजकल के कुछ गेम्स हैं जिसमें बैटल ग्राउंड्स की ग्राउंड्स बना दिए उन्होंने, ऑनलाइन खेले जाते हैं, मल्टीप्लेयर्स होते हैं, लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं भाई आप नाम लेके क्यों नहीं बोलते, भाई नाम लेके बोलना बड़ा मसला है, लीगली चूंकि अलाउड है किसी मुल्क में तो हम नाम नहीं ले सकते उसके, और वो चल रहा है, एक ट्रेंड चला हुआ है और सब उसको खेल रहे हैं, मार धाड़ बस पूरी मार धाड़। क्या ही देखो, इंसान जो देखता है वो करना चाहता है या नहीं है, और समाज में वही चलता है। तो ये इस किस्म का खतलो गारतगिरी, हर इंसान को सबों को उड़ा दे रहे, गाड़ियाँ उड़ा दे रहे, पता नहीं गेम है ठीक है, लेकिन उससे एक नेचर इंसान का बनता है मार धाड़ का, खतलो गारतगिरी को पसंद करता है। तो बहरहाल ये टाइम पास भी है, इसके मेंटल नुकसान है, टाइम पास की शक्ल में नुकसान है, और बहुत सारे नुकसान हैं। किसी दिन उनका इंटरनेट बंद हो जाए एक दो दिन के लिए, तो पता चलता फिर ये गेम कितने एडिक्टिव थे, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, बेचैनी जो होती ना, एंग्जाइटी, परेशान, रात में नींद नहीं आ रही, दिन में सुकून नहीं मिल रहा जब तक कि वो खेल नहीं रहा। तो लिहाजा एक तो टाइम पास, टाइम ख़राब हो रहा, मुल्क और कौमों का, इसमें कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम का इशू ही नहीं है, तो नॉन मुस्लिम हमारे भाई भी तो बर्बाद करे वक्त, कौमें बर्बाद हो रही है, इसके अंदर नस्लें, उनकी जनरेशन जा रही, हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यूथ्स को गाइडलाइंस करना बहुत ज़रूरी है स्कूल लाइफ से, पेरेंट्स के जरिए, टीचर्स के जरिए और कॉलेज में, अगर गाइडलाइंस होंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक ये चीज़ें कम हो सकती है, वरना बहरहाल इसको ख़त्म करना या रोकना मुमकिन तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि 100% लोग तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, लेकिन अपनी कोशिश के जरिए हम जो कर सकते हो करने की कोशिश करना चाहिए। और इसमें एक और बात कहूँगा, वो लोग जो इस फील्ड के माहिर हैं, क्योंकि मैं तो जो टॉक्स देता हूँ जनरली रिलीजियस बेस्ड होती है, लेकिन जो इस फील्ड के माहिर हैं उनकी सलाह ली जाए, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, काउंसलिंग के जरिए, या फिर जो ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे लोग जो ह्यूमन नेचर पे वर्क करते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, स्टडीज़, उसको देखें या उनसे मशवरा करें, वो और अच्छे से टैकल करने का इंशाल्लाह मशवरा आपको दे सकते हैं। किसी ने सवाल किया कि अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।